फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ऐसा एक प्लांट शेयर करने वाली हूँ जिसे आप इंडोर लगा सकते हैं और जिससे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और जो एक लंबे लंबे वाइन की तरह होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये प्लांट है टर्टल वाइन प्लांट। देखिए ये प्लांट कितना खूबसूरत है और इस तरह से लंबे लंबे इसके स्टेम लटकते रहते हैं और कितना सुंदर लगता है ये। किसी एरिया को अगर हम कवर करने का सोचे तो ये प्लांट बहुत बेहतरीन होता है उसके लिए। अगर हमें कोई वॉल कवर करना हो तो ये प्लांट हम कोई ऊंची जगह पे लगाएं और इस तरह से छोड़ दें तो इसके जो ये लंबे लंबे स्टेम हैं ये पूरे वॉल को नीचे तक कवर कर लेता है। तो देखिए ये प्लांट मेरा कितना लंबा हो चुका है। तो आज मैं आपके साथ यही प्लांट के बारे में बात करूंगी। तो ये प्लांट है टर्टल वाइन प्लांट। इस प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है और इसे कैसे हम लगाएं, कैसे हम रखें, सब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस प्लांट को लगाने के लिए हमें चाहिए वेल ड्रेन सॉइल, जो कि मैं हर प्लांट के लिए कहती हूं कि प्लांट को हमेशा वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाना चाहिए जिससे कि उसमें पानी रुके नहीं और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो। तो इसके लिए भी हमें वही चाहिए, लेकिन इसमें हमें थोड़ा इस बात का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये वाइन हम हैंग करते हैं। तो हैंग करने के लिए हम सॉइल मीडिया लाइट वेट रखें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे कि वो प्लांटर टूट के गिरने का डर भी नहीं रहता है। तो जो हम हैंग करते हैं तो उसमें हम लाइट वेट सॉइल मिक्सचर रखते हैं, जैसे कि हम उस सॉइल मिक्सचर में हम कोकोपीट ऐड कर लें तो वो सॉइल बहुत लाइट वेट हो जाता है और कोकोपीट बहुत सॉफ्ट होता है तो उसमें प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो जो हम हैंग करते हैं, मैं उस सारे प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ जिसे हम जो भी प्लांट हैंग करें उन सब में हमें इसी तरह के सॉइल मिक्सचर रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं इस टर्टल वाइन की। तो इसमें भी मैं उसी तरह से सॉइल मिक्सचर रखती हूँ जिसमें कोकोपीट और कंपोस्ट का ही मैं सॉइल मिक्सचर बनाती हूँ इस सब में, तो जिससे कि इसका लाइट वेट रहता है। और देखिए आप वो सॉइल मिक्सचर में इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, कितना ग्रीन दिख रहा है और इसकी कोई खास केयर नहीं है। जस्ट इसे हमें, क्योंकि ये पत्तियों वाला पौधा है, इसमें सी पत्तियां निकलती हैं तो हमें पत्ते को शाइनी और खूबसूरत बनाने के लिए हमें इसमें एनपीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना होता है। ये प्लांट इतना बुशी होता है कि हम इसे डायरेक्ट फर्टिलाइज़र नहीं दे पाते हैं, इसीलिए हमें इस टाइप के प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और इसमें अगर हम नीम ऑयल का स्प्रे करें तो उससे भी इसके पत्ते की शाइन बनी हुई रहती है और बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो अब बात करते हैं हम इसकी सन रिक्वायरमेंट की। तो ये प्लांट शेड में रखने वाले प्लांट में से है, यानी सेमी शेड प्लांट, जहाँ सूरज की रोशनी आती हो और ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहाँ रखें, डायरेक्ट धूप आए वहाँ ना रखें। तो ऐसी जगह प्लेस करने से ये प्लांट अपनी ग्रोथ बहुत अच्छी रखता है और बहुत सुंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत खूबसूरत लुक आता है इसका। तेज धूप में रखने से या डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसके जो स्टेम होते हैं ये स्टेम सूखने लगते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो मैंने अपने टेरेस के जो
कवर एरिया है वहाँ पे मैंने इसे प्लेस किया है, यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है। तो देखिए इसके ग्रोथ कितनी अच्छी है, कहीं से भी एक भी पत्ते सूखे हुए भी नहीं हैं और एकदम ग्रीन लुक आ रहा है। तो इसी तरह से ब्राइट लाइट जहाँ आती हो वहीं पे हम इसे प्लेस करें तो ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है। और पानी की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हल्की सी वाटरिंग इसके लिए काफ़ी होती है। बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम इसमें पानी दें तो इस पौधे को पूरी तरह से नहलाते हुए पानी दें, जिससे कि इसके पत्ते पे जो डस्ट रुक जाए तो वो धुल जाए, जिससे कि इसकी शाइन ख़राब नहीं हो, इसमें शाइनिंग बनी हुई रहे। तो इसी तरह से हम इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है, जिनके यहाँ धूप नहीं आती है उनके लिए ये प्लांट बेस्ट है। ये प्लांट वो ज़रूर लगा सकते हैं। और इस प्लांट के लिए कोई बड़े साइज़ की पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको शो कराती हूँ। देखिए मैंने कितने छोटे से एक बॉटल में इसे लगा रखा है और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है इतनी छोटे से बॉटल में। तो ये वाला प्लांट आप छोटे से छोटे बॉटल में भी आप लगा सकते हैं और बिल्कुल केयर नहीं है इस प्लांट को लेके। जिनके पास टाइम नहीं है, पौधे लगाने का बहुत शौक़ है लेकिन पौधे की केयर करने की फुर्सत नहीं होती है, उनके पास वक्त नहीं होता है, उनके लिए ये पौधा बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट पौधा है ये, कि ये लगाएं और अपने गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाएं। तो ये पौधा लगाने का भी बहुत आसान तरीका है। एक बार आप ये पौधा कहीं से ले आइए, नर्सरी से लाइए या आपके फ्रेंड के पास कहीं पे भी ये पौधा हो, सिर्फ आपको इतनी सी कटिंग लेनी है इस पौधे की, इतनी सी कटिंग लेके इसे हम ग्रो कर दें तो ये ग्रो हो जाएगा। तो इसे कटिंग करके लगाना बहुत आसान होता है, इसकी प्रोपेगेशन हम कटिंग से कर सकते हैं। जब इसकी लंबी लंबी स्टेम हो जाए तो ये स्टेम को हम नीचे से थोड़ा कट कर दें तो इसमें से और भी ढेर सारे ब्रांचेस साइड से निकलेंगे और ये और थोड़ा बुशी हो जाता है। तो जब हम इसमें से कटिंग लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो लंबे लंबे स्टेम होते हैं उसी के टिप से हम निकालें, जिससे कि ये और थोड़ा बुशी हो जाए। तो मैं आपसे आपको दिखाती हूँ कि इसके कटिंग्स कैसे लगाते हैं। तो ये जस्ट इतना सा इसका हमें कटिंग लेना है, तो देखिए जस्ट इतना सा कटिंग लेना है और इस कटिंग को हम लगा देंगे। नीचे के जो ये पत्ते हैं उसे हटा लेते हैं। ये इतना सा स्टेम जो मैंने लिया है इसी से हम ये प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इस प्लांट में देखिए यहाँ से जहाँ से पत्ती निकलती है उसके ऑपोजिट साइड से इसमें रूट्स निकलते हैं, जिससे कि ये प्लांट बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो इसे हम अब लगा लेंगे। तो किसी भी तरह के सॉइल मिक्सचर में आप इसे लगाइए, बस सॉइल मिक्सचर का लाइट वेट का ध्यान रखें। तो ये मैंने एक छोटा सा बॉटल लिया है, इस बॉटल में मैं इसे लगा दूंगी। बस सिंपल सा इसी तरह से हमें इसे लगा देना है, बस इसी तरह से सिंपल तरीके से तीन चार स्टेम के छोटे छोटे टुकड़े हम इसमें लगा देंगे और इसे वाटरिंग कर देंगे और थोड़े दिन में देखेंगे कि इसके लंबे लंबे ब्रांचेस निकल के बाहर आ गए हैं और इस बॉटल को पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो इसी तरह से आप भी लगाइए। तो इसी तरह से ये प्लांट आप भी लगाइए, बहुत आसान है इस प्लांट को लगाना। तो देखिए मैंने इन सारे बॉटल को यहाँ हैंग किया है और हैंग करके मैंने सब में इसी तरह से टर्टल वाइन प्लांट को लगाया है, जिससे कि आगे आने वाले समय में ये सब प्लांट ग्रो करके सारे बॉटल्स को ढक ले और नीचे की तरफ लटकता हुआ दिखे और उस वक्त ये काफ़ी सुंदर दिखेगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँगी कि इस प्लांट की ग्रोथ कैसी चल रही है।
तो आज का मेरा ये वीडियो इस टर्टल वाइन को लेके था। होप है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और आप समझ गए हैं कि इस पौधे को किस तरह से हम लगा सकते हैं और अपने गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। तो आप भी इस तरह से लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। और अगर आप हैंगिंग प्लांटर के शौकीन हैं और हैंगिंग प्लांट लगाने का शौक रखते हैं तो ये प्लांट बेस्ट है, इसको लगा सकते हैं और ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर लें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो मिलते हैं आप अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और किसी प्लांट की इन्फॉर्मेशन के साथ। ओके देन, बाय।